उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहोरीबंद के बाकल में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आमजन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी की डबल इंजन केंद्र और प्रदेश सरकार के को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचाने में सरकार नाकाम रही है। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही राह पर चल पड़ी है। इस बार समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी। शंकर महंतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूँ और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और पहले से बेहतर परिणाम आएगा। जहाँ तक इस स्थानीय समीकरण का है, लोग अपने बीच के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से काम किया है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखें तो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और जो न्याय मिलना चाहिए था वो इस सरकार में न्याय नहीं मिला। जो लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आदर करते हुए हमने निर्दलीय फॉर्म भरा है, चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। वास्तव में कुछ काम अधूरे हैं, उन कामों को हमको पूरा करना है। घर घर जल पहुंचाना है, प्रत्येक घर में पानी का कनेक्शन होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। दवाई पुनर्भरण सुनिश्चित करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हर खेत को पानी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। बिजली निश्चित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए 24 घंटा प्रत्येक परिवार में, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। गाँव में विकास करेंगे, अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे।